हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज प्रिया दमीजा हेयर, योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ हमारा जो टॉपिक है बिजनेस लॉ का, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज सारे टॉपिक जितने हो सकते हैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी आपके साथ। ये आपके लिए फ्री ट्यूशन क्लास ही रहने वाली है। ओके, तो दो टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ गुड्स एंड ऑल जो भी बेसिक है वो हमने पढ़ा है। देन हमने डिस्कस किया कंडीशन एंड वारंटी, और अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा टॉपिक ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए, लेसन्स अच्छे लगते हैं, लेसन्स को शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, परफॉर्मेंस कैसे होगी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल ऑफ गुड्स, यहाँ पे तीन स्टेजेस आते हैं। पहली बात, परफॉर्मेंस कैसे होगी कम्प्लीट, जब दोनों पार्टीज अपना अपना ऑब्लिगेशन है जो वो अच्छे से पूरा कर देगी, अपना पार्ट दोनों परफॉर्म करेंगे। जो सेलर है वो ट्रांसफ़र करेगा ऑनरशिप राइट्स को और पोजेशन ऑफ गुड्स को, दोनों देगा, और जो बायर है वो परफॉर्म करेगा बाय मेकिंग द पेमेंट ऑफ दैट गुड्स। जब वो पेमेंट कर देगा तो उसकी ओर से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट है जो वो पूरा हो जाएगा। और बदले में सेलर क्या करेगा, सेलर ट्रांसफ़र करेगा ऑनरशिप को भी और पोजेशन को भी, पोजेशन ऑफ गुड्स को भी, ठीक है। तो तीन स्टेजेस आती हैं, पहला आ गया हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, देन ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, एंड देन पासिंग ऑफ रिस्क। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब है अपने ऑनरशिप राइट्स को ट्रांसफ़र करना। सेलर जो है वो अपने ऑनरशिप राइट्स को बायर को ट्रांसफ़र कर देता है। तो उस केस में जब सारे के सारे राइट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सेलर जो है अब गुड्स का ओनर नहीं रहा है, ठीक है। ट्रांसफरर है ना वो, उसने ट्रांसफ़र करी है, तो वो नो मोर स्टे द ओनर ऑफ गुड्स, वो ओनर नहीं रहेगा। लीगल राइट्स जो भी होंगे ना, वो सारे के सारे गुड्स के हैंडओवर कर दिए जाएंगे ट्रांसफरी को। अब ट्रांसफरी कौन है, ट्रांसफरी है हमारा बायर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हैंडओवर हो जाएंगे। ये हो गया ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अब ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन क्या है, पोजेशन का मतलब व्हेन द कस्टडी ऑफ गुड्स गिवन बाय सेलर टू द बायर, जब सिर्फ गुड्स की कस्टडी दी है, आपको गुड्स दी हैं लेकिन ऑनरशिप राइट्स स्टिल बायर के पास नहीं है, ऑनर के पास, जो ऑनर है, ऑनर कौन है, सेलर, सेलर के पास है। तो इसका मतलब सेल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ट्रांसफरिंग द पोजेशन ऑफ गुड्स सिंपली मीन्स हैंडलिंग ओवर द गुड्स टू द अदर, अदर बायर, मतलब कि सिर्फ गुड्स को हैंड ओवर करना, पर ऑनरशिप राइट्स हैं वो अभी हैंड ओवर नहीं किए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सेल आपकी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो देख लेते हैं हमारे पास नोट्स में क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ द गुड्स From seller to buyer. In other words, transfer of property in goods constitutes an ownership in a buyer. जब आप goods को मतलब property को transfer of property को transfer कर दोगे तो ownership भी आपके साथ में transfer हो जाएगी, तो buyer क्या हो जाएगा, owner हो जाएगा। तो property in goods का मतलब क्या है, generally property in goods का generally मतलब है goods and not the special property. Special property और goods के बारे में हम पिछले वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। Special और limited property कौन सी होती है, जो जैसे कि बेली और प्लेजी के पास है, वो इस चैप्टर में नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो स्पेशल होती है जो कि जो खुद किसी चीज़ का ऑनर नहीं है, वो उन गुड्स को, वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी इन गुड्स की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन, पोजेशन है जो वो अलग है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स डज नॉट नेसेसरली मीन्स दैट द पोजेशन ऑफ गुड्स हैज़ बीन ऑल्सो ट्रांसफर्ड। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को, गुड्स को ट्रांसफ़र करने का मतलब ये नहीं है कि साथ में आपको पोजेशन भी ट्रांसफ़र किया जाए।
सिंपली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स डज नॉट एसेंशियली अमाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. जब आपको पोजेशन मिल गया, ट्रांसफर सिर्फ किसका हुआ, पोजेशन ऑफ गुड्स का हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओनरशिप मिल गई. अब एजेंट है या सर्वेंट है, उसके पास पोजेशन होता है, मे हैव द पोजेशन ऑफ गुड्स, बट ऑनरशिप है वो उनके पास नहीं होती है. तो उसी तरह से गुड्स जो स्टिल बिलोंग करती है सेलर को, थ्रू द पोजेशन मे बी विद द बायर, बेशक चाहे जो गुड्स हैं वो बायर के पास है, लेकिन जो ऑनरशिप है वो अभी भी अगर सेलर के पास है तो वो अपने आप को ऑनर नहीं कह सकता. तो इसी तरह से सेम वे में सेलर में स्टिल होल्ड द गुड्स, सेलर है जो वो गुड्स को होल्ड करके रखेगा, तो द बायर हैज बिकम द ऑनर. तो उसी तरह से बायर बेशक ऑनर बन सकता है, उसके उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मिल गई है, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, लेकिन गुड्स की कस्टडी अगर अभी भी सेलर के पास है तो ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो दोनों चीजों में डिफरेंस है. थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप और ट्रांसफर ऑफ पोजेशन में क्या डिफरेंस है. ऑनरशिप जो ट्रांसफर हो रही है उसमें सारे के सारे राइट्स जो भी ओनर के हैं वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाते हैं, लीगली ओनर बन जाता है वो बायर. और पोजेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है, कस्टडी मिलती है. ऑनरशिप में क्या होता है, इट इज द ओनली ओनर हु हैज अ ओनरशिप राइट ऑफ द गुड्स. ये सिर्फ एक ओनर ही है जिसके पास ओनरशिप राइट्स हैं. अब ए बी सी तीन बंदे हैं, गुड्स ए की हैं लेकिन अभी प्रेजेंटली बी के पास है और वो सी को बेचने के लिए जा रहा है, तो वो ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि ऑनरशिप किसकी है, ए की है, वो नहीं कर सकता. और पोजेशन जिसके पास है, वो जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन जिसके पास गुड्स का पोजेशन हो और वो उस चीज का ओनर भी हो, ठीक है, वो ओनर नहीं हो सकता. तो समझ में आ गया होगा. तो अभी देख लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या है ट्रांसफर करने की ओनरशिप को. ये जरूरी है ट्रांसफर करना, क्योंकि जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना तो साथ के साथ क्या होता है, रिस्क ट्रांसफर हो जाता है, रिस्क ट्रांसफर हो जाते हैं. अब देखो एग्जांपल पढ़ते हैं. पहले एक्स ने एग्री किया परचेज करने के लिए वाई की कार को, कितने में, 50,000 रुपीज में. ऑनरशिप फ्रॉम एक्स टू वाई इज टू पास ऑन 15 जन 1993. तो प्राइस है जो वो वाई को मिल चुका है 10th जन को ही, एक्स ने एग्री किया ना परचेज करने के लिए, तो एक्स ने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है. जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होनी है 15 तारीख को, लेकिन जो पेमेंट है वो ऑलरेडी हो चुकी है, कितनी को, 10 को. तो 11th को क्या हुआ कि कार है जो वो एक्सीडेंट में क्या हो गई, डैमेज हो गई. अब जो वाई है वो तो ऑलरेडी कर चुका है पेमेंट, जब उसने पेमेंट कर दी है तो इसका मतलब उसको क्या है, लॉस भी बियर करना पड़ेगा, क्योंकि जो ओनरशिप हैज नॉट टू पास द वाई. कार किसकी थी, वाई की थी, ठीक है. एक्स ने क्या किया, एग्री किया. क्या एग्री किया, कि मैं कार को परचेज करूंगा. पैसे उसने एडवांस में दे दिए, नो डाउट दे दिए. अगर कार पहले ही डैमेज हो जाती है तो उसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, वाई को उठाना पड़ेगा. एक्स की क्या गलती है कि उसने अगर पेमेंट पहले कर दी तो. क्यों नहीं उठाना पड़ेगा एक्स को नुकसान, क्योंकि अभी उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है. यही अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी होती पेमेंट के साथ में, पोजेशन उसको बाद में मिलता, पोजेशन बाद में मिलता, तो नुकसान किसका था, एक्स का था, ठीक है. तो अभी उसने एग्री ही कब किया कि मैं 15 को लूंगा, 15 तारीख को ट्रांसफर होनी थी ऑनरशिप, ठीक है. ऑनरशिप फ्रॉम एक्स टू वाई इज टू पास ऑन 15th जन, 15 को होनी थी. अगर ऑनरशिप भी हो गई होती ना तो नुकसान एक्स का था, अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो नुकसान किसका है, वाई का है, ठीक है. देखते नोट्स में क्या है. तो इट्स नेसेसरी टू नो अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वेदर द ऑनरशिप इज विद द बायर और अ सेलर व्हेन द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड और डैमेज सिंस द लॉस इज टू बी बोर्न बाय द ऑनर ओनली. क्योंकि जो गुड्स का ऑनर होगा सिर्फ नुकसान उसका होगा, तो नुकसान के टाइम पे ये देखना जरूरी है कि उस टाइम पे जो ऑनर है वो कौन है, वो बायर है या सेलर है.
इसलिए ओनरशिप को ट्रांसफर करना जरूरी है। नुकसान किसका होगा? ओनर का होगा। देन है ओनली द ओनर कैन सू द थर्ड पार्टी। जिसकी चीज होगी, जो ओनर होगा, वही थर्ड पार्टी को डैमेज के केस में, डिस्ट्रॉयड के केस में थर्ड पार्टी को क्या कर सकते हैं? स्यू कर सकते हैं। कोई और ऐरा गैरा तो कर नहीं सकता ना। जिसकी चीज होगी, जो ऑनर होगा, वही करेगा। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ बायर और अ सेलर, क्वेश्चन अराइज होता है वेदर द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी कैन टेक ओवर द प्रॉपर्टी इन गुड्स डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट हु इज द ऑनर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। अगर दोनों में से कोई एक बंदा भी इंसॉल्वेंट हो जाता है, मान लो बायर ही हो गया, तो जो पर्सन, जिसने पैसे लेने हैं, वो गुड्स को कैसे ले जाएगा? जब तक ऑनरशिप ही ट्रांसफर नहीं होगी। ऑनर अभी भी कौन है? सेलर है। तो उस केस में वो नहीं लेके जा सकते। तो इस केस में भी ऑनरशिप मैटर करती है। ऑनरशिप देखते हैं कि ऑनर कौन है। द सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस। अगर प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है बायर को, और तब ही उस केस में जो सेलर है वो पेमेंट के लिए डिमांड कर सकता है, प्राइस के लिए डिमांड कर सकता है। आपने एज अ सेलर किसी को गुड्स तो दी नहीं है, अभी तक ऑनरशिप तो ट्रांसफर की नहीं है, तो आप किस चीज के पैसे मांग रहे हो भैया? किसी चीज के पैसे नहीं मिलेंगे आपको। तो सेलर जो है वो स्यू कर सकता है प्राइस के लिए, अगर उसने प्रॉपर्टी को पास कर दिया है बायर को। ओके, आई होप यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर होगी कि इम्पोर्टेंस क्यों है। ओके, देन है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। रूल्स रिगार्डिंग द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द फैक्ट वेदर द गुड्स आर अनसर्टेन और अनअर्सर्टेन। ये हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि अनसर्टेन गुड्स कौन सी होती है। अनसर्टेन गुड्स होती हैं आइडेंटिफाइड बाय द बायर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वो अनसर्टेन गुड्स होती है, जो प्रॉपर्टी है अनसर्टेन गुड्स पासिस टू द बायर When such goods are selected, जब वो goods select की कर लेता है, तो उसी time पे उसको क्या कर देते हैं? Pass कर देते हैं after forming the contract. Okay? तो देख लेते हैं कि क्या क्या rules हैं इसके। In the contract of a sale, specific or ascertained goods, the property passes to the buyer when the parties have intended to do so. प्रॉपर्टी कब पास की जाएगी? प्रॉपर्टी तब पास की जाएगी जब दोनों पार्टीज की इंटेंशन है, इंटेंडेड टू डू सो। थस द पार्टीज आर लेफ्ट टू फ्री टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू देयर इंटेंशंस। तो दोनों पार्टीज फ्री है ये डिसाइड करने के लिए कि वो कब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवाना चाहती है। तो कौन कौन से हैं? सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कैन बी गैदर्ड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इंटेंशन कैसे पता चलेगी? कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे क्या टर्म्स डिसाइड हुए हैं। कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज की एक्शंस, पार्टीज की एक्टिविटीज और सर्कमटेंसेस। ठीक है, ये चीजें हैं जो वो बताती हैं कि पार्टीज की इंटेंशन क्या है। अब देखो, इस केस में आपको बताया गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्रिएशन, फॉर द क्रिएशन एंड सेल ऑफ अ शिप ऑन द टर्म्स दैट। क्या टर्म्स डिसाइड हुई थी? ये टर्म्स डिसाइड हुई थी कि इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्राइस वर टू बी पेड। कब पे की जाएगी पेमेंट? व्हेन द वर्क हैड बीन रीच्ड एट द सर्टेन स्टेजेस। जब काम कुछ इतनी स्टेज, जैसे 50%, 70%, 80% जब काम कंप्लीट हो जाएगा तब पेमेंट की जाएगी। एंड डिलीवरी वाज टू बी कंसीडर्ड कंप्लीट आफ्टर द सेटिस्फैक्टरी ऑफिशियल ट्रायल। जब ऑफिशियल ट्रायल से पर्सन जो है, जिसने ऑर्डर दिया है, जो बायर है, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसके बाद ही उसको जो है शिप क्या कर दी जाएगी? डिलीवर कर दी जाएगी। तो ये डिसाइड हुआ था नो प्रॉपर्टी पासिस टू द बायर बिफोर सच ट्रायल। उस ट्रायल से पहले तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ही ऐसे हैं कि कब ट्रांसफर करनी है, ट्रायल के बाद। ट्रायल के बाद भी नहीं, जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तब, सिंस द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर द कंप्लीट सेल। उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट है जो वो कंप्लीट सेल में माना जाएगा। ठीक है, वेयर देर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन्स द टर्म्स एज व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी पास द मैटर गेट्स सेटल्ड एंड द प्रॉपर्टी पासिस एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
जब ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है तो उस केस में प्रॉपर्टी को उस टाइम पे ही पास किया जाएगा जब वो टर्म्स बोलते होंगे, जो टर्म्स आपके डिसाइड होंगे। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है ऑन दिस पॉइंट, द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टीज एंड सर्कमटेंसेज ऑफ द केस, देन द फॉलोइंग रूल्स विल बी अप्लाई टू डिटर्मिन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। तो फिर उस केस में जब ये चीज साइलेंट है तो उस केस में ये फॉलोइंग रूल्स हैं जो वो किए जाएंगे कि कब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमारे पास स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, जो गुड्स हैं वो स्पेसिफिक हैं और डिलीवरेबल स्टेट में है। व्हेन द गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर इमिडिएटली। तो उसी टाइम पे जब वो रेडी है, डिलीवरेबल स्टेज में है, तो उसी टाइम पे हम उसको क्या कर देंगे, पास कर देंगे। प्रॉपर्टी इन गुड्स को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो दिस रूल विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड। जब ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तब ये चीज़ अप्लाई होगी। तो पहली बात, गुड्स हैं जो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्पेसिफिक दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट आपका बन रहा है उस टाइम पे पार्टीज एग्री कर रही हैं और ये गुड्स आइडेंटिफाइड बाय द बायर है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अनकंडीशनल, अनकंडीशनल सेल है एंड द गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट। तो गुड्स भी जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में है। इट इज इमटीरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट फॉर द प्राइस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और अ बोथ आर पोस्टपोन, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, पेमेंट है जो वो आपको फ्यूचर में भी मिल सकती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। एक्स ऑफर्स टू बाय अ मोटरसाइकिल फॉर 10,000 ऑन 1 month क्रेडिट एंड सेलर एक्सेप्टेड द ऑफर। सेलर ने ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मोटरसाइकिल उसी टाइम पे जब ऑफर एक्सेप्ट हुई है उसी टाइम पे क्या हो जाएगी, बिकम्स अ एक्स इज प्रॉपर्टी। चाहे उसने पैसे बाद में देने हो लेकिन जो सेलर है उसने अपनी मर्जी से ओके किया, हाँ किया, एक्सेप्ट किया, तो वो उसी टाइम पे किसकी हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक्स बायज अ टेबल फॉर 1,000 ऑन अ वीक्स क्रेडिट। एक हफ्ते के क्रेडिट पे उसने क्या किया, टेबल को लेने का बाय किया, एग्री किया और अरेंज टू टेक द डिलीवरी ऑफ अ टेबल नेक्स्ट डे। तो उसी अगले दिन उसने कहा कि मैं टेबल्स को लेके जाऊंगा। जिस शाम को ये एग्रीमेंट हुआ था तो एक्स ने कहा कि मैं टेबल है जो वो उसकी पेमेंट है 1 week के बाद करूंगा लेकिन डिलीवरी उसकी नेक्स्ट डे लेके जाऊंगा। उसी शाम, जिस शाम को ये एग्रीमेंट हुआ था उसी शाम को क्या हुआ कि वहाँ फर्नीचर मार्ट में फायर के कारण जो वो टेबल थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए। प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज़ पास्ड टू एक्स, ही इज़ बाउंड टू पे द प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, प्रॉपर्टी जो है वो पास हो चुकी है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये एक्सीडेंट हुआ, ये आग लगी, उस टाइम पे उस टेबल का ऑनर कौन था, वो एक्स था। तो इसलिए उसको पेमेंट वहाँ पे करनी पड़ेगी। ओके, आई होप यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो गुड्स आर सेट टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट, कब इसको डिलीवरेबल स्टेट में कहा जा सकता है, व्हेन दे आर इन सच अ स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ देम। जब ये जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बाउंड है कि वो गुड्स की डिलीवरी लेके जाए, वो जो गुड्स हैं उसी टाइम पे एज इट ही हम बायर को डिलीवर कर सकें तो उसको हम डिलीवरेबल स्टेट में कहते हैं। इफ द सेलर हैज टू पेंट द कार टू मेक इट एक्सेप्टेबल टू द बायर, इट्स नॉट अ डिलीवरेबल स्टेट। अब जो कार है वो सेलर ने कहा कि मैं पेंट करके आपको दूंगा, पेंट के बाद जो बायर है वो एक्सेप्ट करेगा, तो उसको हम डिलीवरेबल स्टेट नहीं कह सकते। कब तक, जब तक वो पूरी पेंट नहीं हो जाती। उसी तरह से जो सेलर है उसको टेबल जब तक उसने पॉलिश नहीं किए हैं तब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं हो सकती। डिलीवरेबल स्टेट जो हम एज इट उठा करके किसको दे दे, बायर को दे दे। ठीक है,
Next is specific goods in not a deliverable state. Where there is a contract of a sale of a specific goods and the seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into the deliverable state, the property does not pass. तब तक pass नहीं हो सकती जब तक वो चीज़ करी नहीं जाए और वो buyer के notice में ना आ जाए. डिलीवरेबल स्टेट में उसको अगर गुड्स ही ऐसी हैं उसको पहले डिलीवरेबल स्टेट में लेके आना पड़ेगा. लेके तो आप आ चुके हो लेकिन उसके बाद बायर को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा. तो उससे पहले आप गुड्स को डिलीवर नहीं कर सकते, वो डिलीवरेबल स्टेट नहीं होगी. ठीक है, जैसे इस केस स्टडी में आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो है वो एक जो सेल हुआ है, सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऑयल लेइंग इन द टैंक. The oil had to be filled by the seller in the casks which were partly done in the presence of the buyer. तो seller को जो है वो oil को casks में fill करके देना पड़ेगा जो कि कुछ part है, आधा part है वो buyer के सामने हो चुका है और कुछ को part है वो अभी रहते हैं. ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ तो बीच में हो गई आग लग गई, फायर ब्रोक हो गया आउट के कारण, सारी की सारी जो इंटायर क्वांटिटी थी ऑयल की वो डिस्ट्रॉयड हो गई. तो जो लॉस हुआ है, लॉस जो फिल हो चुके हैं, जो बायर की प्रेजेंस में फिल हो चुके, बायर को इस चीज़ के बारे में पता था, वो तो लॉस किसका होगा? बायर का होगा. बाकी के जो अभी रहते थे, जो अभी फिल नहीं हुए थे, वो लॉस किसका होगा? वो लॉस सेलर का होगा. ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. When the goods have to be measured, weighted or tested, जब जो आपका contract of sale है specific goods का वो deliverable state में कब होंगे? जब जो seller है वो bound है कि वो weight करके, measure करके, test करके दे goods को, ऐसे नहीं दे. For the purpose of ascertaining the price, the property does not pass until that thing is done. जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती तब तक उस प्रॉपर्टी को पास नहीं किया जा सकता और नोटिस भी बायर को देना पड़ेगा. ये जो सेक्शन है अज्यूम करते हैं कि गुड्स आर ऑलरेडी इन द डिलीवरेबल स्टेट एंड द सेलर इज रिक्वायर्ड टू डू समथिंग एक्ट सच एज वेटिंग, मेजरिंग एंड टेस्टिंग फॉर डिटर्मिनिंग द प्राइस. गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन जो प्राइस है वो डिटर्मिन करना है तो वो चीज़ भी करनी जरूरी है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है केस स्टडी में, द कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 975 माउंट्स ऑफ राइस है, सर्टन प्राइस के ऊपर देने हैं. तो डिफेंडेंट ने पे की इंटायर मनी एंड एग्री टू रिमूव द इंटायर क्वांटिटी आफ्टर वेटिंग. जब वो सारी वेट कर लेगा उसके बाद वो इंटायर क्वांटिटी को लेके जाएगा बिफोर सर्टन डेट, उस डेट से पहले. वाइल अ पार्ट ऑफ डिलीवरी हैड बीन टेकन द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. तो कुछ चीज़ें हैं नुकसान हो गया बाय फायर. हेल्ड द प्रॉपर्टी हैड पास टू द बायर सिंस नथिंग रिमेन टू बी डन बाय द सेलर. कुछ भी सेलर ने नहीं करना फॉर असरटेनिंग द प्राइस क्योंकि कुछ पार्ट है वो जो लेके जा चुका है और जो वेटिंग करनी है वो किसके कारण करनी है? वो बायर की सेटिस्फेक्शन के लिए करनी है. अगर प्राइस ऑलरेडी डिटर्मिन हो चुका है, सिर्फ जो वेट दोबारा से चेक करना है वो बायर की सेटिस्फेक्शन के लिए करना है, तो जो नुकसान होगा वो बायर का होगा, सेलर का नहीं होगा. अगर प्राइस डिटर्मिन करना है तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है अभी पास नहीं हुआ है तो नुकसान जो होगा वो सेलर का होगा. नेक्स्ट है गुड्स सेंट ऑन द अप्रूवल और ऑन अ सेल और अ रिटर्न. कभी कभी गुड्स जो हैं वो अप्रूवल के लिए भेजी जाती हैं. ठीक है, तो उस केस में प्रॉपर्टी कब और कैसे मानी जाएगी कि पास हो चुकी है? प्रॉपर्टी पास होना मतलब ऑनरशिप पास होना, जब जो बायर है ये सिग्निफाई कर दे, अपनी अप्रूवल दे दे सेलर को, अपनी एक्सेप्टेंस दे दे कि ही इज़ ओके विद द गुड्स, कि उसको गुड्स हैं जो वो अप्रूवल जो उसके लिए भेजी गई हैं उसने अप्रूव कर दी है, उसने अपनी हाँ कर दी है, एक्सेप्टेंस दे दी है. डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, कुछ ऐसा कर दे कि जैसा लगे कि उसने ट्रांजेक्शन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया. इफ द बायर डज नॉट सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिमेन्स अ गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन देन, अगर जो बायर है उसने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दी है, अप्रूवल नहीं दी है, कुछ भी नहीं बताया है, तो उस केस में गुड्स को अगर वो अपने पास रखता है, रिजेक्शन का नोटिस नहीं देता है, देन क्या होगा? इफ
a time has been fixed for the return of the goods on the expiration of such time. अगर आपको time period mention किया गया है कि इतने time के अंदर अंदर आपको approval देनी है, अगर आप उस time period के बीच में approval नहीं देते तो ऐसा माना जाएगा कि आपकी approval seller को मिल चुकी है, ठीक है। अगर कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ है तो रीजनेबल टाइम जो होगा अप्रूवल के लिए वो माना जाएगा। अगर गुड्स आपके पास रहती हैं तो ऐसा माना जाएगा कि गुड्स की अप्रूवल बायर को, बायर के द्वारा भेज दी गई है और वो गुड्स वो किसकी हो गई, वो ट्रांसफर हो चुकी है बायर को, ठीक है। थस द एसेंस ऑफ दिस रूल इज दैट द प्रॉपर्टी पासिस ईदर बाय द एक्सेप्टेंस और बाय द फेलियर टू रिटर्न द गुड्स। ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है उस रूल में आपको ये बताया गया है कि प्रॉपर्टी जो है कब पास मानी जाएगी और जो फेलियर टू रिटर्न द गुड्स, बाय द फेलियर टू रिटर्न द गुड्स, अगर वो फेल हो जाता है गुड्स को वापस भेजने के लिए, उसने गुड्स नहीं रखनी थी, उसने गुड्स को रिजेक्ट करना था लेकिन उसने गुड्स को फिर भी अपने पास रखा और बताया भी नहीं है सेलर को, तो उस केस में प्रॉपर्टी जो है वो पास ही माननी चाहिएगी। सो दिस वॉज होल अबाउट योर टूडेज क्लास, जो कि हमने बेसिक सा कॉन्सेप्ट किया है और पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी करी है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में दो गुड्स आ जाती हैं, जैसे कि हमारी अनसर्टेन गुड्स और अनसर्टेन गुड्स। तो रूल्स रिगार्डिंग द अनसर्टेन गुड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, अब कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे रूल्स रिगार्डिंग पासिंग ऑफ अनसर्टेन गुड्स। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लेक्चर्स को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।